पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नववर्ष के मौके पर मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुरादाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई। पीली कोठी चौराहे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कराई गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों का रिस्पांस टाइम भी चेक किया गया। मॉक ड्रिल के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि ये एक रैंडम मॉक ड्रिल था। विशेष रूप से किसी कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए हम लोग कितने अलर्ट हैं और हमारा टाइमली रिस्पांस कैसा है, इसको लेकर हम समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल हम करते रहते हैं। इसको लेकर निर्देश भी मुख्यालय द्वारा आते रहते हैं। ये एक रैंडम मॉक ड्रिल था आज, विशेष रूप से किसी कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए कि हम लोग कितने अलर्ट हैं और हमारा टाइमली रेस्पॉन्स हो, इसको चेक करने के लिए और फोर्स की अलर्टनेस को चेक करने के लिए ये रिहर्सल रखा गया था। मॉक ड्रिल थी कुल मिला के ये, और इस तरह की ड्रिल हम लोग करते रहते हैं। इस तरह के निर्देश हमारे मुख्यालय से भी तमाम बार आते रहते हैं, तो उसी क्रम में आज ये रिहर्सल किया गया था हमारे सर्कल, कई सर्कल और थाना प्रभारियों के साथ में, और एडीएम सुनील साहब मेरे साथ में, सबके साथ मिलकर चेक किया गया और हमारा फोर्स पूरी तरह मुस्तैद पाया गया। मौके पर सब लोग समय से पहुंचे और इस तरह का रिहर्सल हम लोग को एक हमेशा तैयारी के हालत में रखता है, जिसके लिए प्रयास किया जाता है। सर, न्यू ईयर पर हमने पूरे शहर क्षेत्र में, खासतौर पर हमारा कांठ रोड और जो रामपुर रोड है और मझोला की तरफ दिल्ली रोड, इन सभी जगह करीब 12 पॉइंट पर हम लोग बैरियर लगाएंगे और जो नए मनचले टाइप के जो लड़के हैं घूमते रहते हैं उनको चेक किया जाएगा और कहीं ट्रैफिक की दिक्कत ना हो, तो ट्रैफिक की ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। कुल मिला के शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे तरीके से लोग इस तरीके से सुख कर सकें, इसके लिए हम लोग तमाम व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। सब लोगों से है कि नया वर्ष है, नया शुभ वर्ष है, सभी लोगों को बहुत शुभकामना हम लोग की तरफ से, लेकिन उसमें अनावश्यक ड्रिंक न करें लोग और सेफ रहें, अपने घरों पे रहें, अगर कहीं बाहर भी निकलते हैं तो कानून का पालन करें। उसी के लिए मैंने कहा कि किसी प्रकार कानून का पालन करें लोग, ये स्टंटबाजी इत्यादि अगर करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।